सीकर के सावली सर्किल के पास जयपुर बीकानेर बाईपास पर एक पश्चिम बंगाल की महिला के साथ गैंग रेप होने का मामला सामने आया है। घटना कल देर रात की बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली कि सावली बाईपास पर एक निजी रेजिडेंसी में एक महिला बेहोशी की हालत में मिली है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। युवती से पूछताछ की तो सामने आया कि वह वर्तमान में जयपुर रह रही थी, जहां से एक युवक उसे सीकर लेकर आया। युवक उसे फ्लैट में ले गया। उसके बाद तीन युवक और आए, चारों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मौके से ही दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की पूरी जांच सीओ ग्रामीण वीरेंद्र कुमार कर रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए थानाधिकारी सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि कल रात 10:30 बजे सूचना मिली कि रामेश्वरम रेजिडेंसी में कोई युवती बेहोशी अवस्था में है और लोगों की भीड़ जमा है। ऐसे में जब मौके पर पहुंचे तो वहां पर एक फ्लैट में एक युवती थी, जिससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि चार युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। थानाधिकारी ने बताया कि युवती को सीकर के पास के एसके अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। थानाधिकारी ने बताया कि युवती रात को ज़्यादा बातचीत करने की हालत में नहीं थी, ऐसे में उसके आज बयान लिए जाएंगे। पुलिस की माने तो दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें भीमा निवासी बिरदाराम और अजीत को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। टेलीफोन सूचना मिली थी कि रामेश्वरम रेजिडेंसी में एक युवती थोड़ी बेहोशी की हालत में है और काफ़ी लोग एकत्रित हो रखे थे। इस पर मन उप निरीक्षक सुनील कुमार व गश्त में ड्यूटीरत जाब्ता को मौके पर तुरंत ही वहाँ पहुँचे। वहाँ एक युवती थी, काफ़ी लोग एकत्रित हो रखे थे। युवती से बातचीत की तो उसने बताया कि मेरे साथ कुछ 3-4 लड़कों ने गलत काम किया है। उस पर युवती को शीघ्र ही हॉस्पिटल पहुँचाया जाकर इलाज करवाया, उसका मेडिकल मुआयना करवाया। संपूर्ण जांचें करवाने के बाद उसको वहाँ भर्ती कर लिया गया। मौके से दो युवकों को डिटेन किया है, जिनका नाम बिरदाराम व अजीत है। इनको हिरासत में लिया गया है। अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब के द्वारा किया जा रहा है।